गलोड़ कांगो सड़क पर जियाना के पास तंग सड़क की वजह से भीषण हादसा होने से टल गया। रात के करीब 12 बजे जियाना के पास एक कार एचपी 67A00779 जो गलोड़ क्षेत्र में शादी समारोह में पहुंची थी, रात के करीब 12 बजे जब ये दोनों पिता पुत्र जो कि बलडूक निवासी बताए जा रहे हैं वापस घर जा रहे थे, तो उस समय तंग सड़क होने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गए। जिस जगह ये हादसा हुआ है उस जगह से सड़क एक तरफ से टूटी हुई है। गाड़ी का ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो बैठता है और गाड़ी दो पलटे खाकर सीधी नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, मगर कार में सवार दोनों पिता पुत्र को मामूली चोटें जरूर लगी हैं। रात को जिस समय ये हादसा हुआ उस समय सड़क में कुछ युवा बाइक सवार वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने नाले में लाइट जलती देखी तो वे वहां रुक गए। उस समय नाले से सहायता की आवाज आने लगी। इन बाइक सवारों ने बड़ी कड़ी मशक्कत करके इन दोनों को बाहर निकाला और दूसरी गाड़ी से घर भेजा। गाड़ी को उसी जगह छोड़कर पिता पुत्र अपने घर चले गए। जिस जगह पर यह घटना घटी वहां सड़क काफी तंग थी। लोक निर्माण विभाग ने भी सड़क को दोनों ओर तारकोल के खाले ड्रमों से मिट्टी भरकर यहाँ रिटेनिंग वॉल लगाई है। लोगों का कहना है कि यदि डंगा नहीं लगा होता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। पहले भी इस जगह कई हादसे हो चुके हैं। इस मामले पर गलोड़ के चौकी प्रमुख प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर गई है, मगर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची गाड़ी को क्रेन से निकाल लिया गया था। गाड़ी के मालिक पूर्व प्रधानाचार्य बताए जा रहे हैं। उन्होंने फोन पर भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे ठीक हैं। उन्होंने बताया कि आगे से गाड़ी आने की वजह से वे तंग सड़क की वजह से उनकी गाड़ी इस दुर्घटना का शिकार हो गई।